हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी नेहा अग्रवाल। तो यार मैं आज बहुत 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 स्ट्रेस्ड हूँ, इवन आई डोंट नो व्हाई। आज जो टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव है मेरे लिए, थोड़ा सा मतलब कि मुझे तो मैं भी कुछ लोगों को टॉपिक अभी समझ ना आया। तो एंग्जाइटी डिप्रेशन इज सो रियल दैट टाइम एंड दिस इज ए रियल कॉज कुछ लोगों के टेंशन का। तो हम लोग ना आज मार्केट जा रहे हैं परेड में, वहाँ पे हम तीन लोकेशन में भी चूज करेंगे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं आए, मैंने ट्राई किया, एटलीस्ट आई ट्राइड। तो जाएंगे और हम लोग इनका मेन कॉज सुनेंगे, पूरी स्टोरी सुनाने में जो सुना सकता है। कोई स्टोरी रिकॉर्ड नहीं होगी, बंदा आते दिखाया जाएगा और जाते दिखाया जाएगा, नथिंग एल्स। अगर एक बंदा अभी खुश हो जाता ना इस चीज़ से, उसका दिल का बाहर हल्का हो जाता ना, आई वुड मतलब कि हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और ये एक लड़की ने मेरे को करेज दिया करने का, मेरे को करना पहले भी था ये, एंड आर भी नहीं थे। तो वो लड़की ने खुद से बोर्ड वोर्ड अरेंज करे, कहती मुझे आना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि वो भी डिप्रेशन सर्वाइवर है, मैं भी। एंग्जाइटी आहिस्ता आहिस्ता मौत होती है, बहुत गंदी एंग्जाइटी होती है, पैनिक चोकिंग एंड ऑल, लोग नहीं बात करे सामने आके। तो आज मैं उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ, और ये वीडियो में भी लंबा हो, बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी होगा ना देखने का कि रिस्पॉन्ड क्या करते तुम्हारी जनता जम होगी, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बाकी मैं निकाल तो वैक्सिंग कराई यार, थोड़ा स्लो शो ऑफ तो करूँ बाजू। ओके, टॉक टू यू लेटर। गाइस, मैं इस टाइम कच्ची छावनी पहुँची हुई हूँ, डर तो इतना लग रहा है, ऐसे मेरी शादी करवा रहे हैं घर वाले, ऐसा लग रहा है। बट नहीं डरना किस बात से, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं लोगों के लिए। चार चॉकलेट मेरी बहन ने कहा, एक बंदा भी आ गया ना तो मैं नाम बदल दूँगी। मैंने कहा आएँगे, तो मैंने ज़्यादा चार चॉकलेट्स लिए हैं, तो जिसने मेरी हेल्प किया बनाने में, आई होप दिस इज़ विजिबल ना, दिस इज़ विजिबल। तो मेरे को बस ये है कि कच्ची छावनी कसिनो के बाहर और एक जगह और, अगर नहीं है तो भी कोई चक्कर नहीं, बट इट टेक्स ए लॉट ऑफ करेज टू डू दिस थिंग। दिख रहे बड़ा जा रहा है, डिप्रेशन इज रियल, टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू चॉकलेट। चॉकलेट के लिए नहीं, कम से कम अपने मेंटल पीस के लिए बता दो। तो चॉकलेट्स रखते हैं इस टाइम पे, पकड़ो ज़्यादा चॉकलेट्स बैग में। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मेरे को यही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टिल आके देखने आता हूँ। तो हर जगह पे ना हम एक मिनट ज़्यादा रुकेंगे नहीं, तो मेरे को बस बोर्ड का ही थोड़ा सा दिखाना है कि डिप्रेशन रियल है यार, पैनिक अटैक्स, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू कैन रीड इट नाउ, वो पढ़ सकते हैं, वो देख रहे बैग लेना। एनी कॉन्सेप्ट अबाउट दिस थिंग, किसी के कुछ है जो मैंने चीज़ पकड़ी है, किसी का कुछ रिव्यू है इसी से? नहीं, किसी का कुछ नहीं है, लोगों ने इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर, वो ओपन भी नहीं है इतनी चीज़ को लेकर। यही तो हमारे जम्मू की खास बात है कि यहाँ के लोग वो ओपन भी नहीं है इस चीज़ को लेकर। लोग दूर से देख रहे हैं कुछ ना कुछ चल रहे हैं यहाँ पे, बट मैं चाहती हूँ बस एक बंदा आके बोल देना यार मुझे ये इशू है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बाद में चलिए चॉकलेट हमें खुद खाने पड़ेंगे। डिप्रेशन लीगल है आपकी बॉडी? डिप्रेशन ये हमने मेरे साथ दो वीडियो बनाई लेकिन डाली एक नहीं। ये है डिप्रेशन आपको इस बात का? हाँ, इसी बात का। बाकी डिप्रेशन में कोई बात नहीं, आप डालेंगे और कुछ स्टोरी है डिप्रेशन? डिप्रेशन तो बहुत आप क्या बता, बट स्टिल आप बता सकते हैं, बंद कर देंगे कैमरा थोड़ा सा, एक रीज़न फॉल फैमिली फाइनेंशियली कुछ, तो स्टिल हमें ट्राई किया ना चॉकलेट का हमारा। ये लो यार, आपने कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लिया हमारे, पक्का डालूंगी, और डिप्रेशन का रीज़न मैं हूँ आपको डिप्रेशन करे, हर जगह बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है मैं, लेकिन मैंने उस दिन बोला तो मान गई। ये काट का, वो अभी हम रानी बाग के साथ जा रहे हैं, तो मैं सोचा कुछ ओनर्स को कुछ लोगों को पूछते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर, क्या ये सच है। हमारे यहाँ का लगभग लगता है डिप्रेशन बीमारी है, बीमारी नहीं होती, लोग लगाते हैं अपनी चीज़ों को छुपा छुपा के, या टेंशन नहीं लेके किसी भी रैंडम, या छोटे छोटे बच्चे को छोटे छोटे रीज़न से डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी अटैक्स में सबसे बड़ा कॉज है चीज़ को मुझे लगता है। भाई बहुत जिगरा चाहिए होता है इस चीज़ के लिए, इसके लिए भी चीज़ बताओगे क्या लिखा है? डिप्रेशन इज रियल, तो आप तो पढ़ो पहले, आप डायरेक्टली नीचे पढ़ रहे हो। डिप्रेशन आपके बोल, डिप्रेशन क्या है? कुछ नहीं पता, सबकी कुछ तो बनाओ डिप्रेशन के बारे में, कुछ नहीं है, काम कहाँ जा। इस चीज़ के बाद ना मैं खुद मरने लगी हूँ चुल्लू पर पानी डूब में, डिप्रेशन कुछ भी नहीं आते पड़े, लोग इतना डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेते हैं, लोग ही करते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में है आपके मन में दोस्त में, तो आप कुछ नहीं करोगे उसी को, तो उसी के लिए तुम कर रहे हैं। हाँ,
बट आपने स्टिल जो लोग हैं तो आपको अगर कोई पता है कि डिप्रेशन में है तो आप उसको हेल्प करोगे करेंगे। अब आपको पता है डिप्रेशन वाले लोग बोलते नहीं हैं आपके जीवली, तो उस चीज़ के लिए लोग फाइट कर लेते हैं अंदर से घुटके मार। तो उस चीज़ को लेके मैंने चीज़ किया कि कोई अगर डिप्रेस, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको नहीं जानती, तो अगर आप मुझे एक नॉर्मल कार भी बताओगे आपको पता है कि हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आपको लगता है कि अच्छी है कि बंदे को सुना दिया जाए तो बंदा दो मर गया। तो आपको लगता है जम्मू वाले रिकमेंड करेंगे चीज़ को लेकर, आपको लगता है यहाँ के लोग जो मैं भी कहाँ से आई नहीं करेंगे, आपको लगता है नहीं करेंगे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप बताते हैं हमें वैसे, हाँ अगर होता नहीं क्यों नहीं सकते बेस्ट फ्रेंड आपको पता है बेस्ट फ्रेंड कब आपके लिए अवेलेबल है नहीं आपको नहीं पता, बट यही चीज़ हम लोगों को चेंज करनी है। अगर एज ए स्ट्रेंजर मैं आर इनिशिएटिव ले रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखो दोनों अपने भाई। ये सोच बदलनी है, शुक्र है अच्छी बात है। जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप? जैसे इस मुद्दे पे बोल रहा हूं, डिप्रेशन में जो लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, किसी को जॉब नहीं, अलग अलग रीजन है। अगर जैसे कि मेरे को देखो मुझे है तो मैं किसको सुनाऊं? अपने बोले पागलों को दो क्या क्या होते हैं, अपने आप को खुद ही संभालेंगे तभी होगा, कोई तो किसी को संभालेगा। ये चीज नहीं होती, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कसीनो तक जाऊंगी, उसके बाद मैं अपना सार दूंगी समरी का प्रॉपर। यहाँ तो ना पता क्या चक्कर है हमारे जम्मू को, थोड़ा मैं कोई नहीं बताता सीधी बात है, फर्स्ट से ना मैं आपको थोड़ा शाइनस फील करती हूँ चीज़ को लेके, यार आओ मैं क्यों बताऊँ लोग जज करेंगे। तो एंड द एंड में ना मैं आपको वो 10 से 12 रीज़न बताऊँगी जिस वजह से एक टीम या कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फर्स्ट तो ओवर थिंकिंग तो मेरे खून में है, मेरा ब्लड ग्रुप ना ओवर थिंकिंग वाला है, मुझे लगता है कभी कभी लोग मन के देख रहे हैं दिखाओ था लोग को कैसे रिएक्शन पड़ा। जस्ट होल्ड इट फॉर 1 मिनट देन मैं एंड करूँगी, क्योंकि जितना मेरे को मिला ना लोग नहीं करेंगे बात बारे में, इट टेक्स टाइम एंड टाइम एंड टाइम। आई थॉट इट्स अ गुड प्लेस टू स्टैंड ओवर देयर, यहाँ से भी लोग आएंगे पीछे से भी वहाँ से भी लोग आएंगे, बस एक बार पीछे आना होगा। यहाँ पे पूरी साइड रोड इस साइड है, इस साइड पीछे है, इस साइड से भी आ रहे हैं लोग। एंड अगेन यू हैव सीन, अभी तक मैंने कार चार लिए थे, मैं 10-12 लेने लगी थी, बट इट्स टोटली फाइन। लेट्स कम ऑन टू दिस नेक्स्ट, आगे चलते थोड़ा सा लोग देखेंगे आना। द मेन कॉज तो डिप्रेशन ना तीन रहते हैं, एक होता है फैमिली प्रेशर, फैमिली का वो कुछ भी हो सकता है, एक होता फैमिली, एक होता रिलेशनशिप और एक होता करियर। किसी के साथ फैमिली में ढंग से बिहेव नहीं किया जाता है, किसी के साथ डोमेस्टिक अब्यूज होता है, रिलेशनशिप में अब्यूज होता है, फिजिकली हरासमेंट, मोलेस्टेशन, बहुत चीज़ें होती हैं एक बंदे के लाइफ में जहाँ बंदा खुद को उभर के बोल नहीं सकता है। मैं कह रही लोग देखेंगे बट बोलिया कोई नहीं। बच्चे आज कल की हमारी टीम सबसे ज़्यादा करप्ट है इसलिए, क्योंकि वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिमाग पे लेते हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। और जब किसी को बताया ना कि 1% लोग हैं जिनके पेरेंट्स समझते हैं कि एंग्जाइटी डिप्रेशन ये लोग, अगर ये वीडियो देखने के बाद एक बंदा भी ना मुझसे बात करना चाहता है प्लस गिव मी अ DM, मेरे को रिस्पॉन्स इतना पसंद आया नहीं, ठीक है जम्मू आया ये कि हाँ जम्मू है, अभी टाइम लगता है लोगों को, बहुत न्यू था लोगों के लिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी स्टिल रहूँगी, ये चॉकलेट वेस्ट होगी, डिप्रेशन इज रियल।